दामनपुर प्रखंड अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जहां पर प्रधानमंत्री व राज्य सरकार के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है, इसी के आलोक में जैविक खेती करने वाले किसानों को राशि भी मुहैया कराया जा रहा है। माँ दुर्गा पंचायत प्राथमिक जैविक खेती उत्पाद सहकारी समिति के सदस्यों की बैठक ई किसान भवन खोदामनपुर में की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष नितेश कुमार ने किया। इस मौके पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत खोदामनपुर प्रखंड क्षेत्र के मेघोल एवं सागी पंचायत के जैविक कॉरिडोर में लिया गया है, जिसमें किसानों को 99 एकड़ में जैविक खेती करना है। जहां जैविक खेती से लोग लाभान्वित हो सके, वहीं वैज्ञानिकों की माने तो जैविक खेती एक ऐसी खेती है जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, लेकिन लोग रासायनिक का प्रयोग कर खेत को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं कि किस आखिर जैविक खेती है क्या और इससे क्या लाभ होगा। बीटी न्यूज बिहार से खोदावनपुर की रिपोर्ट। खोदावनपुर पंचायत में जैविक खेती के लिए आपको चिन्हित किया गया है, इसके बारे में आप कुछ बताइएगा। सरकार का ही योजना है और इसमें जो है अनुदान के रूप में, सहयोग राशि के रूप में 11,500 रुपये प्रति एकड़ के दर से जो किसान चिन्हित किए गए हैं उनको दिया गया है प्रोत्साहन राशि के रूप में। और आगे भविष्य में भी यदि उसमें यदि अच्छा किसान कर लेता है सही ढंग से, तो प्रोत्साहन राशि और देने का आश्वासन बीओ कार्यालय से दिया गया था। उस दिन कृषि अनुमंडल पदाधिकारी भी हम लोग के की मीटिंग में थे और उन्होंने भी बहुत ढंग से बहुत बातें किसान को करके संबोधित किए और अच्छा से अच्छा इस कार्य को, सरकार का जो योजना है इसमें जो है सो जैविक खेती करके रासायनिक खेती को मतलब कम करने का जो योजना है, अब आगे भविष्य में कम करने के लिए जो रासायनिक खाद उर्वरक शक्ति को कम करने का जो हिसाब है उसको ही जैविक खेती से अच्छा किया जाए। सर, आपने ये खेती का ये प्रशिक्षण कहाँ से लिया? हम लोग तो बहुत सारे किसान थे जो जैविक खेती करने के लिए इस प्रखंड के जो बहुत जैसे मेघोल पंचायत हुआ, दौलतपुर ये फफौत पंचायत हुआ और बाद में कुछ सारी और कुछ बारह का उनको भी इसमें जोड़ा गया है। इससे तो किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है? किसान को लाभ इससे यही मिलेगा जो सरकार के द्वारा दिए गए राशि से जो जैविक खाद का जो जैविक खाद जो बनाया जाएगा उससे रासायनिक खाद जैविक खाद कम रेट में अपने खेत में भी लोग देंगे और अगल बगल जो भी किसान हैं इच्छुक जो चाहेंगे तो उनको कम राशि में अच्छा जैविक खाद मिल जाएगा और उससे उर्वरक शक्ति और हमारा जो खेत जो है वो रासायनिक खेती से बर्बाद हो रहा है उससे बचाया जा सकेगा जमीन को। जैविक खेती के लिए आप किसानों को और भी मोटिवेशन कर रहे हैं मेघोल पंचायत में? हाँ, और भी किसान हैं जो कि करीब 225 किसान हैं। सर, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम राम किशोर सिंह हुआ। घर आपका? सर, घर में गौर। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 8।